मांडलगढ़ के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ की बेटी न्याय की गुहार लगा रही है। बीते 4 अप्रैल को विवेक धाकड़ की मौत हुई, जब शव उनके घर में ही मिला था और हाथ की नस कटी हुई थी। अब विवेक की पत्नी और बेटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों रोती हुई मदद की गुहार लगाई। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दरअसल धाकड़ की बेटी अवनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जो कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में अवनी अपने दादा पूर्व जिला प्रमुख इंजीनियर कन्हैयालाल धाकड़ और अपनी बुआ पर मारपीट करके घर से बाहर निकालने का आरोप लगा रही है। देखिए वो वायरल वीडियो। मेरा नाम अवनी धाकड़ है, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय विवेक धाकड़ है, वो कांग्रेस के एक्स MLA रह चुके हैं। अभी थोड़े टाइम पहले उनकी संदेहास्पद मृत्यु हो गई थी। उसकी निष्पक्ष जांच के लिए मेरी मम्मी ने मेरे दादाजी कन्हैयालाल धाकड़ से कहा, इस बात से उन्होंने और मेरी बुआ ने मेरी मम्मी को और मुझे मार पीट करके घर से बाहर निकाल दिया है। रात के 11 बजे हम यहाँ पे रोड पे अकेले घूम रहे हैं और कोई भी मदद नहीं कर रहे, पुलिस वाले भी नहीं कर रहे, तो जो भी मेरे पापा को जानते हैं हमारी मदद की। अब इस मामले को लेकर भीलवाड़ा शहर के सुभाष नगर थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अभी जांच जारी है, रविवार को उनके घर पर कहासुनी हो गई थी, पुलिस ने मौके पर पहुंच समझाइश की थी, अब तक पुलिस के पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है, अगर रिपोर्ट आएगी तो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बता दें, कांग्रेस के युवा नेता विवेक धाकड़ भीलवाड़ा की मांडलगढ़ विधानसभा सीट से 4 बार चुनाव लड़े, लेकिन धाकड़ को उपचुनाव में जीत हासिल हुई। 2018 का उपचुनाव उन्होंने तब जीता जब प्रदेश में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी। यह उपचुनाव मां कीर्ति बाईसा की मौत के कारण हुआ था। धाकड़ मांडलगढ़ से 9 महीने तक विधायक रहे। विवेक धाकड़ ने मांडलगढ़ विधानसभा सीट से 2013, 2018 और 2023 में भी भाग्य आजमाया, मगर तीनों बार उनको कामयाबी नहीं मिली। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।